नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 19 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिल गेट्स पहुंचे बिहार। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी बिल गेट्स बिहार दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के मुकाबले बहुत ही कम राज्य ऐसे हैं जिसने गरीबी और लोगों के स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दिया हो और लगातार प्रगति के रास्ते पर ही चल रहे हो। वहीं इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सामुदायिक स्तर पर जन व्यवहार परिवर्तन और कृषि क्षेत्र में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहभागिता से बहुत खुश हैं। NIOS और DLED का मामला संसद में हुआ पेश। NIOS से DLED डिग्री धारकों की नैया बीच मझधार में लटकी हुई है, जिसको देखते हुए राजद ने NIOS से डिग्री का मामले को संसद में पेश किया है। आपको बता दें, राजद नेता मनोज झा ने इस मामले की गहनता को देखते हुए राज्यसभा को पहले ही जीरो आवर नोटिस जारी कर दिया था, जिसके पश्चात उन्होंने कहा कि NIOS से DLED की डिग्री होने के बावजूद सभी डिग्री धारकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए हमने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस जारी कर दिया था। परिवहन विभाग का पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। एशिया के सबसे बड़े मेले यानी कि सोनपुर मेले में हर साल की भांति इस साल भी कई अतरंगी चीजें देखने को मिल रही हैं। हर साल इस मेले में कुछ न कुछ खास जरूर देखने को मिलता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही है। इस साल मेले में परिवहन विभाग का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर दिन काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और इस पवेलियन में शिरकत होकर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि आम लोगों की जानकारी और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इस पवेलियन का आयोजन किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर होगा इस पुल का नाम। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने कुछ दिन पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके पश्चात उनके योगदान को देखते हुए अब उन्हें अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जहां एक ओर पटना यूनिवर्सिटी ने उनके नाम से एक नया रिसर्च सेंटर खोलने का फैसला किया है, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के तहत कोइलवर पुल के समानांतर बनने वाले पुल का नाम वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। मुजफ्फरपुर जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। बाबा गरीबनाथ मंदिर, जुब्बा साहनी पार्क, रामचंद्र साही संग्रहालय, बुधिराम बोस मेमोरियल, चतुर्भुज स्थान मंदिर, श्री राम मंदिर, रामन देवी मंदिर, राजखंड, काली माता मंदिर, अंबारा चौक, दुर्गास्थान मंदिर, लीची बगीचा जरूर घूमने जाए। पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 2 से 2.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 से 3.5 घंटे का सफर करना होगा। पटना से मुजफ्फरपुर बाई रोड की दूरी गांधी सेतु पुल से 87.3 किलोमीटर है। रजिस्ट्री विभाग में अब अपनाया जाएगा ऑड इवन फार्मूला। दिल्ली की तरह ही अब बिहार में भी ऑड इवन फार्मूला अपनाने की तैयारियां की जा रही है, मगर ये फार्मूला गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि रजिस्ट्री विभाग ने अपनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, रजिस्ट्री विभाग ने यह फैसला सिस्टम पर लोड बढ़ने के कारण कई दिनों से लिंक फेल होने की समस्याओं को देखते हुए लिया है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री कार्यालय को ऑड इवन नंबर के अनुसार लिंक मुहैया करवाई जाएगी, जिससे कि सिस्टम पर लोड नहीं बढ़ेगा और लिंक फेल होने के आसार भी कम हो जाएंगे। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने टीवी के साथ साथ बॉलीवुड की दुनिया में काम करके अपने नाम के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। सुशांत सिंह राजपूत मूल रूप से बिहार के निवासी है। सुशांत का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सुशांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी बिहार से ही की थी, जिसके बाद सुशांत अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। उन्होंने सबसे पहले स्टार प्लस के किस देश में दिल है मेरा शो, उसके बाद जी टीवी के पवित्र रिश्ता में काम करके अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद सुशांत ने बॉलीवुड में एंट्री मारी। इसके अलावा सुशांत कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने विभिन्न ट्रेड ऑपरेंटिस के लिए निकाली रिक्तियां। उत्तर पश्चिम रेलवे ने विभिन्न ट्रेड ऑपरेंटिस भर्ती के लिए कुल 2029 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में ITI NCVT प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ST SC को 5 तथा OBC को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। इन पदों पर आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार लगेंगे। जनरल और OBC को ₹100 चुकाने होंगे, जबकि SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एवं महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन 8 दिसंबर तक www.rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर बेहद खास है, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को बहुत जल्द भविष्य निधि यानी कि EPF का लाभ देने का ऐलान किया है।
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को विधि विभाग ने अपनी सहमति दे दी है और इसी के साथ 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ईपीएफ का लाभ शिक्षकों तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पोलैंड में बढ़ाया बिहार का सम्मान। अगर कोई इंसान कुछ ठान ले तो वो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली आकांक्षा नेहा ने। दरअसल आकांक्षा नेहा ने पोलैंड के राष्ट्रपति निवास में रखी रिकॉर्ड बुक में अपना हस्ताक्षर बनाया है। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला बनी है। ज्ञात हो उन्हीं छात्रों को यह सम्मान मिलता है जिन्होंने पोलैंड लॉ कॉलेज में 90% अंक प्राप्त किए हो। आकांक्षा ने 90% अंक हासिल कर पूरे पोलैंड में पहला स्थान हासिल किया है। आकांक्षा की इस उपलब्धि से समूचे बिहार में खुशी की लहर दौड़ रही है। 22 नवंबर से मिलेंगे सस्ते प्याज। प्याज की बढ़ती कीमत से आम जनजीवन काफी ज्यादा परेशान है। बाजार में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं जिस कारण लोगों को प्याज खरीदने से पहले 100 बार सोच विचार करना पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों को इस महंगाई से निजात दिलवाने के लिए विस्कोमान ने अब 35 रुपए किलो के भाव में प्याज देने जा रहा है। विस्कोमान ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बाजार में 80 रुपए में मिलने वाला प्याज अब महज 35 रुपए में विस्कोमान 22 नवंबर से बेचेगा। राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट आज से। अंडर 17 बालक वर्ग राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। यह टूर्नामेंट सैंडस कंपाउंड स्टेडियम में 19 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होगा। आपको बता दें इस टूर्नामेंट में 38 टीमें हिस्सा लेंगी। जिला खेल अधिकारी प्रमोद यादव के अनुसार आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा जिसके पश्चात प्रतियोगिता के पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे। वहीं इस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच 26 और 27 नवंबर को होगा। 27 नवंबर को दोपहर बाद सेमीफाइनल और 28 को फाइनल मैच खेला जाएगा। बिहार में विपक्षी एकता बनाना रालोसपा के लिए है चुनौती। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। वहीं इस हालत में यह साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन दलों को साथ में बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन दलों में आपसी खींचतान शुरू हो चुकी थी। सभी दल यहां तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए थे, मगर डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर फिर पिछले दिनों केंद्र एवं राज्य सरकारों के खिलाफ संयुक्त मार्च में विपक्षी दलों के तालमेल में काफी सुधार देखने को मिला है। निष्ठापूर्वक सेवा के लिए जवानों और पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। एशिया के सबसे बड़े मेले यानी कि सोनपुर मेले में 13 सालों के बाद एक बार फिर से पुलिस परितोषित वितरण समारोह का शुभारंभ हुआ। आयोजित समारोह में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बतौर चीफ गेस्ट उपस्थित हुए, जहां उन्होंने लगभग 600 पुलिस ऑफिसर्स और जवानों को उनकी निष्ठापूर्वक सेवा के लिए सम्मानित किया, जिसमें एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस के जवान शामिल थे। इतना ही नहीं, इस दौरान सामाजिक सद्भावना बनाए रखने वाले आम नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। विधान पार्षदों को मिला नया ड्यूप्लेक्स घर। बिहार सरकार ने विधायक आवास योजना के अंतर्गत सभी विधान पार्षदों को नया घर मुहैया करवाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इन पार्षदों को उनके नए घर की चाबी सौंपी। आपको बता दें अभी ये चाबियां 55 MLCs को सौंपी गई हैं। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, विधान परिषद के सभापति हारून रशीद, मंत्री अशोक चौधरी मौजूद दिखे। NTSC 2020 परीक्षा में रीजनिंग और मैथ्स के सवालों में उलझे छात्र। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा NTSC 2019 के प्रथम चरण और NMMSS 2019 की परीक्षा संपन्न हो गई है, जिसमें समूचे बिहार में 96 केंद्र, वहीं पटना में 11 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा के बाद बताया कि सेकेंड सिटिंग की अपेक्षा फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम ज्यादा आसान था। गणित में कुछ प्रश्न उलझाने वाले थे, वहीं करंट अफेयर से भी प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी रही। बिहार में अब बढ़ेगा ठंड का असर। बिहार के सभी जिलों में अब तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके पश्चात अब पटना के तापमान में 2 डिग्री तक कमी दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को गया का मौसम सबसे सर्द रहा। मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर तक बिहार में आकाश साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी और सुबह शाम सर्द हवाएं चलेंगी। आधार कार्ड से संबंधित बदलाव के लिए देने होंगे दोगुनी रकम। आधार कार्ड से संबंधित कोई भी बदलाव के लिए अब आम नागरिकों को दोगुनी रकम देनी पड़ेगी। आधार कार्ड में जन्मतिथि, नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी, जेंडर सहित किसी भी सुधार के लिए UIDAI के जारी सर्कुलर के मुताबिक अब 25 रुपए के बदले 50 रुपए जमा कराने होंगे। आपको बता दें UIDAI की रीप्रिंटिंग के लिए जारी की गई राशि का भुगतान अब आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। बड़ा शेर के रजनीश बने अंडर 16 क्रिकेट के अंपायर। बिहार सरकार द्वारा आयोजित अंडर 16 क्रिकेट मैच में बड़ा शेर निवासी रजनीश कुमार को अंपायर बनाया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद रजनीश के घर में खुशी का माहौल है। आज होने वाले मैच में प्रदेश के सभी 38 जिलों के अंडर 16 के खिलाड़ी भाग लेंगे। अंपायर के रूप में रजनीश कुमार और उमंग कुमार इस मैच की देखरेख करेंगे।
अब बिना डरे करे रोड क्रॉस। पटना की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को देखते हुए अक्सर रोड क्रॉस करने वाले काफी देर तक रोड के किनारे में खड़े रह जाते हैं और गाड़ियां रुकने का नाम नहीं लेती। इसी में कभी कभी गाड़ियां और लोग एक दूसरे से भिड़ते भिड़ते बच जाते हैं। पब्लिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत अब बेली रोड पर पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए एक पुश बटन की सुविधा दी गई है, जिसको दबाते ही बेली रोड के दोनों तरफ का सिग्नल रेड हो जाएगा और 45 सेकंड के लिए सभी पैदल चलने वाले आसानी से बिना किसी डर के रोड क्रॉस कर लेंगे। मोहम्मद शमी की हो रही है वाहवाही। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के स्टेन सोशल मीडिया पर अपने फैंस से रूबरू हो रहे थे, जहां पर उनसे एक यूजर ने पूछा कि उनके अनुसार अभी कौन सा गेंदबाज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इसके जवाब में स्टेन ने कहा कि मौजूदा फॉर्म के साथ शमी। आपको बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शमी ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए, जिसके बाद शमी ने ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गुड न्यूज का ट्रेलर हुआ जारी। गुड न्यूज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दलजीत दोसांझ और कियारा अडवाणी नजर आएंगे। इस ट्रेलर के आते ही लोगों का रिस्पांस इस फिल्म के लिए काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और करीना कपूर पति पत्नी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 नवंबर को 22 कैरेट के प्रति ग्राम 3,735 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,835 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.08 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.45 रुपए प्रति लीटर था। सुशील मोदी नहीं हुए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां कर ली है। इस बाबत भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची की भी घोषणा कर दी है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता के नाम शामिल है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार इस सूची में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि उनकी जगह बिहार के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंगल पांडे और नंद किशोर यादव का नाम शामिल किया गया है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं आज की 25 बड़ी खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।